की धर्म में आस्था नहीं है वो इस देश में उपद्रव फैलाना चाहते हैं कि जो भी धार्मिक यात्राओं में उपद्रव करते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, यही उनका इलाज है। विधान, यहाँ की सरकारें, सब कुछ सनातन हिंदू संस्कृति के अनुरूप होनी चाहिए। इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं रुड़की। आपको बताया, रुड़की में पहली बार श्री हनुमान जन्म उत्सव के अवसर पर जीवन दीप आश्रम के द्वारा शहर में भव्य हनुमान जी की शोभा यात्रा का किया गया है। इससे पहले रुड़की में ना तो ऐसी शोभा यात्रा निकाली गई थी और ना ही निकली। हम बात करेंगे महामंडलेश्वर स्वामी यतीश्वरानंद जी से, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से पहली बार भगवान हनुमान जी के जन्म उत्सव पर ये भव्य विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। ये 19वां महोत्सव है जीवनदीप आश्रम में श्री सिद्धबली हनुमान जी महाराज की प्रतिष्ठा है, और केवल रुड़की शहर में नहीं, आज पूरे देश में और पूरे विश्व में श्री हनुमान जी महाराज की धूमधाम से यात्राएं निकाली जा रही हैं। ये संकेत है कि जो हमारा सनातन हिंदू संस्कृति है, धर्म है, उसका पुनर्जागरण हो रहा है, पुनरुद्धार हो रहा है, और सनातन हिंदू संस्कृति ही पूरे विश्व के अंदर कहीं ना कहीं शांति है, सद्भाव है, इसकी स्थापना कर सकते हैं। देखिए, जो दुष्ट मानसिकता के लोग हैं, विधर्मी हैं, जिनकी धर्म में आस्था नहीं है, वो इस देश में उपद्रव फैलाना चाहते हैं। कोई भी धार्मिक यात्रा बड़े शांति भाव से और उत्साह से चलती है, और सरकारों से मैं कहूँगा कि जो भी धार्मिक यात्राओं में उपद्रव करते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, यही उनका इलाज है। आज इस शोभा यात्रा को आपने अपने आश्रम से लेकर करके विभिन्न मार्गों से होते हुए पूर्ण रूप से वापस जा रही है आश्रम की ओर, कौन कौन यहाँ अतिथि के रूप में पहुंचे? हम देख रहे थे उत्तर प्रदेश से भी कुछ मंत्रीगण यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ सुनील भराला जी आए हैं और काफी VIP हैं, सबसे मैं भी नहीं मिला हूँ अभी, और स्थानीय भी बहुत लोगों ने, और सबसे बड़ी बात यह कि यात्रा जिस द्वार पर भी जा रही है वो द्वार हनुमान जी की आरती उतार रहा है पूरा परिवार। लोगों ने अपने घर के दरवाजों को पानी से धुला है, रंगोली बनाई है और हनुमान जी के लिए भोग बनाया है। पूरे क्षेत्र में बड़ा उत्साह है कि हनुमान जी घर घर द्वार पर जा रहे हैं, और हनुमान जी की कृपा से सभी खुशहाल होंगे, सभी के दुख दर्द दूर होंगे। देखिए, भारत सदा से सनातन हिंदू संस्कृति का देश रहा है, और भारत ने विश्व को विश्व बंधुत्व का नारा दिया है। दुनिया में एकमात्र भारत ऐसा देश है जिसने आज तक कभी किसी दूसरे पर अपनी तरफ से आक्रमण नहीं किया। हिंदू संस्कृति का ये देश है, यहाँ का संविधान, यहाँ की सरकारें, सब कुछ सनातन हिंदू संस्कृति के अनुरूप होनी चाहिए। इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए और सभी सरकारों को सचेत कर रहे हैं स्वामी यतीश्वरानंद जी, जिस तरह से आपने सुना। और भव्य यात्रा का यहाँ पर आयोजन देखा जा रहा है, काफी भीड़, महिलाएं, पुरुष, बच्चे यहाँ पर शामिल है। आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। नमस्कार।